थोड़े हाउसी सर्वाइवर्स वहीं कुछ एडल्ट ज़ॉम्बीज और इनमें से कुछ तो फ्लैश के लिए नहीं बल्कि सेक्स के लिए पागल हैं। ये इस चैनल की सबसे वियर्ड वीडियो है और सबसे वियर्ड ज़ॉम्बी मूवीज की लिस्ट भी। इसे अगर मेरी फैमिली ने देख लिया तो मेरे को मिलेगा फ्लाइंग बिल और यूट्यूब होएगा बंद। देखो आज हम देखने वाले ऐसे ज़ॉम्बी फिल्मों को जो आपके ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज को चैलेंज तो करते ही हैं, साथ ही एडल्ट ज़ॉम्बीज के अलग नजरिए से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे 18 साल से छोटे बच्चे मत ही देखना। शुरू करते हैं नंबर 7 से, विच इज ज़ॉम्बी स्ट्रिपर्स। इसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो होता है, लेकिन जगह एक क्लब है जहां एक्सोटिक स्ट्रिपर्स भरे हुए हैं और उनमें से एक हो जाती है ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म। अब ज़ॉम्बी स्ट्रिपर्स को सेक्सी ड्रेस में देखकर लोग भागेंगे या फिर आगे क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इसकी प्लॉटिंग ऐसी है कि वॉर्स सबसे रेडी होने के लिए आर्मी एक लैब से वायरस बनाने को कहती है, जिससे वॉर्स को इजीली जीता जा सकता था, लेकिन हमेशा की तरह सब्जेक्ट एस्केप करके नेब्रास्का के स्ट्रिपर्स क्लब में पहुंच जाता है और बस पूरी कहानी यहां से शुरू हो जाती है। यूजुअली ज़ॉम्बी फिल्मों में फोकस ज़ॉम्बी पर होता है, लेकिन यहां फोकस आपका थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, तो मुझे मत कहना। ये फिल्म 2008 में आई है और इसकी IMDb रेटिंग 4.1 है, तो फिल्म बहुत ही एवरेज लगेगी, लेकिन इसके बावजूद ये तुम्हारे मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने में कैपेबल है। हाँ, इसके विजुअल्स ही कुछ इतनी प्यारे प्यारे से हैं, इसलिए इसे फिल्म के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना वो तुम्हें मार मार के ज़ॉम्बी बना देंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली अकेले में देखना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो जाकर उसे देख सकते हो। नंबर 6 की बात करें तो दैट इज नन अदर देन वन कट ऑफ द डेड का सस्ता कॉपी ज़ॉम्बोलोकैलिप्स। अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी है तो वन कट ऑफ द डेड के बारे में जानते ही होगे, जहां फिल्म बनाने वक्त आउटब्रेक हो जाता है और फिर एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म क्रू सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, तो ये फिल्म कुछ उससे ही मिलती जुलती है। लेकिन ये फिल्म अगर तुमने देख लिया है तो फिर तुम इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहोगे और ज़ॉम्बकॉम फिल्मों से नफरत हो जाएगी। इस फिल्म में जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग टट्टी है, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनकी स्क्रिप्ट टट्टी है, और लगता है प्रोड्यूसर के पास पैसे की जगह फिल्म में लगाने के लिए टट्टी ही थी, क्योंकि इस फिल्म का बजट कुछ ज्यादा ही हाई है और वो कितना हाई है वो तुम्हें देख कर पता लग जाएगा। खैर, इस फिल्म की बुराई मैं क्या करूं, ये इसके ट्रेलर्स में लिखे कमेंट्स पढ़कर ही आप समझ जाओगे। इस मूवी को दिखाने का पाप मैं नहीं कर सकता, इसलिए इसके ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो तुम देख सकते हो। वैसे बात करें इसमें दिखाए गए ज़ॉम्बीज की, तो वो वॉकर्स हैं, तो उनसे लड़ना वगैरह सब कुछ काफी इजी है, लेकिन क्योंकि ये ज़ॉम्बकॉम जॉनरा में है तो उस सब का स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करें नंबर 5 की, तो वो है लस्ट ऑफ द डेड। ये एक जापानीज हिट फिल्म सीरीज है, इसके मल्टीपल पार्ट्स आए हुए हैं। इसमें ज़ॉम्बीज तो स्प्रेड होते हैं, लेकिन इसमें दिखाए गए इन्फेक्टेड फ्लैश की जगह सेक्स के लिए पागल होते हैं। मतलब कि अगर तुम हब्सी हो, जो कि तुम हो सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है जो होगा ही, तो उसके लिए इस वायरस के कारण ये दुनिया अब एकदम जन्नत लगेगी। मतलब सभी जॉनी भैया के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे आई नो मेरे ज़ॉम्बी वॉरियर्स बड़े शरीफ हैं और इन सब तरह की मूवीज देखना पसंद नहीं करते हो, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व इस वीडियो को देख रहा है और इस फिल्म को देखकर अपने मन की तड़प को शांत करना चाहते हो, तो इस फिल्म को देखने का टेराबॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक क्लिक में देख लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके देख सकते हो, वहां पर मैं ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। वैसे आगे की फिल्म को देखने से पहले मैं बता दूं, लस्ट ऑफ द डेड बहुत ही एडल्ट जॉनरा में आती है, तो केवल एडल्ट ही देखना। बच्चों तुम डॉन में जाकर देख सकते हो या फिर नेक्स्ट पॉइंट का वेट करो, जिसमें थोड़ी अच्छी फिल्म की बात हम करने वाले हैं। कमिंग टू नंबर 4, वी हैव ज़ॉम्बीज। गेस व्हाट, दिस मूवी इज सो ऑब्वियस कि हमें बिल्कुल नेम से समझ में आ जाता है कि हमें क्या देखने को मिलेगा। ज़ू और ज़ॉम्बीज, मतलब कि ज़ू में ज़ॉम्बीज दिखेंगे, और होता भी बिल्कुल वही है, क्योंकि ज़ू के अंदर के जानवर ज़ॉम्बी में बदलने लग जाते हैं। तो अब ये जानवर ज़ॉम्बी बनने के बाद कितना खतरनाक बनेंगे, ये फिल्म देखकर समझ में आएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को इतना बुरा रिस्पॉन्स मिला कि इन्होंने दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया, मतलब कि हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और सेकंड पार्ट का भी नाम बड़ा ऑब्वियस है, ज़ॉम्बीज 2। देखो, हम अक्सर ज़ॉम्बी कैट, डॉग और रैट देखते आए हैं, पर अगर ज़ॉम्बी एनिमल देखने की कोई कसर बाकी रह गई है तो ये फिल्म वो बची कुची कसर पूरा कर देती है, क्योंकि इसमें लायन से लेकर बंदर और किंग कॉन्ग से लेकर जिराफ सभी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इस फिल्म का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, जाकर देख सकते हो। और एक बात बता दूं, हो सकता है इस फिल्म को देखने के बाद शायद आपका भी यही सवाल हो। इस फिल्म की IMDb रेटिंग इतनी ज्यादा बुरी है कि इसके सामने रेस 3 भी शायद आपको अच्छी लगे। नहीं, रेस 3 अभी भी टॉप पर है नीचे से। ओवरऑल ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा खून खराबे से भरी हुई फिल्म है, और ऑनेस्ट फीडबैक दूं तो अगर इसकी प्रोडक्शन पर और खर्च किया जाता तो ये वाकई आप इंजॉय कर पाते। बाकी ऐसे भी आप इसे ऑनलाइन देख ही सकते हो। अब लेकिन टॉप 3 में कौन से हैं, उसे जाने से पहले अगर यहां तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हमें इस मंथ तक 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं एंड बस 9000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो कर दो चैनल सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना वियर्ड फिल्म। बात करें नंबर 3 की, तो वो है ज़ॉम्बायोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम जो भी लिस्ट में थे, ये एक्चुअली उनके कंपैरिजन में एक अच्छी फिल्म है। ये है चाइनीज फिल्म जिसमें स्टोरी कुछ स्लैकर्स यानी कि आलसियों के अराउंड घूमती है। इन्हें काम करना नहीं पसंद है, लेकिन चूंकि अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है तो इन्हें काम करना पड़ेगा।
इन्हें वियर टूल्स का हेल्प लेना होगा सर्वाइव करने के लिए और रनर्स से भागकर बचना होगा। इस फिल्म को IMDb पर 4.5 की रेटिंग मिली है लेकिन रॉटन टोमेटो पर इट्स 60% फ्रेश विच इज अ बिट अबव एवरेज। इस फिल्म के ज़ॉम्बीज रनर्स हैं तो उनसे लड़ने वाला सीन भी काफी सही लगता है और वैसे इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है पर आप एक बार इसे डेफिनेटली देख सकते हो। नंबर 2 डेड हेड्स। ये फिल्म वाकई काफी ज्यादा वियर्ड है। इस फिल्म में ज़ॉम्बीज चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पता नहीं फिर फिल्म मेकर्स ने इन्हें ज़ॉम्बीज क्यों बोला है। इनफैक्ट इस फिल्म के ज़ॉम्बीज एक अपने अधूरे प्यार को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं, मतलब कि यहाँ एकदम अलग ही सीन चल रहा है। इस फिल्म के लीड एक्टर्स के पास वेपन के नाम पर शॉटगन है जो महावाहियात आइडिया है सर्वाइव करने को लेकर के, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लग जाएंगे। खैर, लॉजिक ढूंढना इस फिल्म में पाप है क्योंकि ये फिल्म नहीं मजाक है। इस फिल्म के दो फ्रेंड ज़ॉम्बी अपने लव को ढूंढने रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं और फिर उससे मिलते भी हैं, पार्टी भी करते हैं, लेकिन अब वो लॉस्ट लव से मिलने की कोशिश कितनी सक्सेसफुल रहती है और कितनी आसान रहती है या फिर मुश्किल, ये आगे पता चलेगा। क्योंकि लड़की के हाँ या ना बोलने से पहले ही एंट्री होती है विलन की। चूहा है एक रूथलेस कंपनी जिनका मकसद है इन बोल पाने वाले ज़ॉम्बीज पर रिसर्च करने का और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने का। खैर, इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जितना आपको दिल्ली टू शिमला वाली रोड में भी नहीं देखने को मिलेगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5.8 है जो कि ठीक ठाक है, मतलब कि ये फिल्म एक चांस डिजर्व तो करती है, इसलिए आप देखकर बताना कि आपको कैसी लगी। अब बारी है नंबर 1 की, तो वो है कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म एंड उसका नाम है द ऑड फैमिली ज़ॉम्बीज ऑन सेल। अब ये फिल्म क्योंकि कोरिया की है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये फिल्म आपके दिमाग का भजिया पाला एक कर देगी, बल्कि मैं इस फिल्म की जितनी तारीफ हो सके उतनी करूंगा क्योंकि मुझे कोरियन लवर्स से गाली खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। खैर, जोक्स असाइड, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फनी है और अच्छा है और ये फिल्म की प्लॉटिंग आपको काफी पसंद आएगी। इसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के इलीगल एक्सपेरिमेंट से एक बंदा गलती से ज़ॉम्बी बन जाता है एंड बस इसका पता एक परिवार को लग जाता है एंड देन वो इससे प्रॉफिट बनाने का डिसाइड करते हैं, मतलब कि पैसा इज इम्पोर्टेंट। खैर, अब फैमिली कितने वक्त तक प्रॉफिट कमा पाती है और इस ज़ॉम्बी को वो कितने वक्त तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं ये तो आगे फिल्म देखने पर ही पता चलने वाला है। बता दो, उस फिल्म में वॉकर्स है तो उनसे बचना ईजी है और साथ ही कुछ ज़ॉम्बीज तो शाकाहारी भी हैं, तो ज़ॉम्बी की हरकत से आपको हंसी डेफिनेटली आने वाली है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग भी काफी सही है जो कि 6.6 स्टार है और जो कि अबव एवरेज है और आपको पसंद आ सकती है, तो आप इसे आराम से 2-3 बार तो देख ही सकते हो। आप इस फिल्म से कनेक्ट हो ही जाओगे और डेफिनेटली आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको ये फिल्म देखना है तो टेराबॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी वहां पर देख सकते हो, मैं वहां पर भी अपडेट करता रहूंगा। वैसे अगर यहां तक देख लिए हो और जानना चाहते हो ऑल ऑफ अस आर डेड से रिलेटेड वो 7 अपडेट्स जो कि काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। वहीं अगर तुम्हें टॉप 5 इंडियन झक्कास फिल्मों को देखना है जो कि एक नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करती है तो उसे तुम राइट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।